हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शरीर के रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने का आसान और घरेलू नुस्खा। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा ड्रिंक बनाना बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग बार बार बीमार पड़ जाते हैं, खासकर जब मौसम का परिवर्तन होता है तब वह लोग बीमार हो जाते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इसमें जो मेन और मुख्य कारण होता है वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाना, कमज़ोर हो जाना। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो वह बंदा बार बार बीमार होने लगेगा। जैसे उसे बार बार खांसी आ जाना, छींके आ जाना, जुखाम आ जाना, बुखार आ जाना आदि समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी का उपाय जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक आसानी से और जल्दी पहुँचेंगी। दोस्तों, जानते हैं पहले रोग प्रतिरोध होने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम कैसे कमज़ोर हो जाता है। अगर दोस्तों हम धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं, तली हुई चीज़, बाहर की चीज़ का सेवन ज़्यादा करते हैं, ऑयली चीज़, मसालेदार चीज़ का सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं मौसम चेंज होने में, या सड़क पे चल रहे हैं तो डस्ट पॉल्यूशन की वजह से भी। और अगर हम ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं बॉडी पेन के लिए, सिर दर्द के लिए, तो उससे भी हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। और सही से रेस्ट नहीं लेना, अपनी बॉडी को सही से रेस्ट नहीं देना, अच्छे से सोना नहीं, तो उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों, इसी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का आसान और घरेलू उपाय। दोस्तों, जानते हैं हम इस ड्रिंक को कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा एक अदरक का टुकड़ा छोटा सा, और 5 से 7 तुलसी के पत्ते, 5 से 7 काली मिर्च के दाने, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और थोड़ी सी हल्दी। और दोस्तों, इन सभी चीज़ों को, सामग्री को आपको लेके अच्छे से पीस लेना है, कूट लेना है, पाउडर नहीं बनाना है आपको, बस कूट लेना है। कूटने के बाद आप इसको 1 गिलास गर्म पानी में, 1 गिलास पानी लेकर उसे हल्की आंच में बॉईल करें और इन सारी सामग्री को उसमें डाल के 5 से 7 मिनट तक बॉईल करें। जब यह अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब आपको इसे छान लेना है। छानने के बाद इसमें आपको 1/2 चम्मच शुद्ध देसी घी या कोई सा भी घी जो आप यूज कर रहे हो उस घी का मिला देना है। मिलाने के बाद आपका यह जो ड्रिंक है वो बन के तैयार हो जाएगा और आपके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देगा। तो दोस्तों, जानते हैं इसका सेवन आपको कैसे करना है। दोस्तों, आपको इसका सेवन जो करना है, प्रतिदिन दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें इस ड्रिंक का। यदि आप इस ड्रिंक का सेवन प्रतिदिन 2 से 3 बार करते हैं तो आपका इम्यून पावर, इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी जल्दी अच्छा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा और आपको हो रही प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी। जैसे आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो वो आप होना बंद हो जाएगा और आप फिट रहेंगे। और दोस्तों, इसका सेवन यदि आप अच्छे से करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा, आपके ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़िया रहेगा, आप हमेशा फिट एंड फाइन रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए हम लाते रहें।
और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।